संहिता के बारे में आपने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी न्यूज सुनी होगी, ये है क्या? दोस्तों, हमारे देश में सब लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, हमारे जितने भी लॉज है वो सब लोगों के लिए सेम है, लेकिन जब बात आती है पर्सनल लॉज की तो हमारे यहाँ अलग अलग कानून है अलग अलग धर्मों के लिए। जैसे हिंदू लोगों के लिए हिंदू लॉ है, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉ है, और यहीं पर प्रॉब्लम होती है कि पर्सनल मैटर्स लाइक शादी, तलाक, सक्सेशन, संपत्ति का बंटवारा, गोद लेना, अडॉप्शन, इनसे रिलेटेड लॉ हिंदुओं के लिए अलग है, मुस्लिम्स के लिए अलग है। एक एग्जांपल है, अब हमारी सरकार चाहती है कि जब देश एक, संविधान एक, तो हर धर्म के लिए पर्सनल मैटर से रिलेटेड कानून भी सेम होना चाहिए। क्वेश्चन आता है, क्या सरकार को ये बनाने की पावर है? दोस्तों, सरकार की ये पावर नहीं, जिम्मेदारी बनती है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले आपको मुझे फंडामेंटल राइट्स को देकर गए, सरकारों को एक चीज और समझा कर गए कि देश कैसे चलाए, उसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू स्टेट पॉलिसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 कहता है कि सभी सरकारों को कोशिश करनी चाहिए कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड बने।